नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। भारत के संवैधानिक विकास श्रृंखला का यह चौथा पार्ट है और आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने भारत सरकार अधिनियम 1909 तक की चर्चा की थी और इसके पहले तीन पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने सभी अधिनियम कम्प्लीट किए हुए हैं। तो 1909 और 1919 के बीच का जो 10 साल का समय था, इसके अंतर्गत भारत में कई तरीके से बदलाव हुए। तो कौन कौन से बदलाव हुए और उन बदलावों को ध्यान में रख करके भारत सरकार अधिनियम 1919 को पारित किया गया। तो सबसे पहले 1919 की बात करते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इससे पहले जो 1909 का अधिनियम था उसमें भारतीयों ने स्वशासन की मांग की हुई थी, क्योंकि तब तक 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और जिसने स्वशासन की अपनी मांग रखी थी। तो 1909 के अधिनियम में जो भारतीय स्वशासन की मांग रखी थी वो पूरी नहीं हुई। तो इसी असमर्थता के कारण सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली जो कि 1909 के अधिनियम में शुरू की गई थी, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली को शुरू किया गया था, इसके अलावा राष्ट्रवादियों को स्वतंत्रता आंदोलन को और उग्र करने के लिए प्रेरित किया। तो इन सभी चीज़ों ने जो 1909 का जो अधिनियम था इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे ये सारे बदलाव हुए। कौन कौन से? कि भारतीय ने स्वशासन की मांग रखी और सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली हुई, जिससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और उग्र हो गए। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए और इनमें बदलाव लाने के लिए ही 1919 का अधिनियम पारित किया गया। इसके दौरान 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया था वो 1911 में समाप्त किया गया, और जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था वो अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो, उस नीति के अंतर्गत किया गया था। तो इस नीति को समाप्त करते हुए 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया और भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली की गई। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण 1911 में हुआ। तो 1911 का जो वर्ष था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें दो बदलाव हुए, पहला बंगाल विभाजन की समाप्ति हुई और भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। इसके बाद 1913 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा भारत में होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किया गया। 1913 में जब श्रीमती एनी बेसेंट भारत आईं तो उनके द्वारा भारत में होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो ये जो सभी कार्य हुए ये 1909 और 1919 के बीच के दौरान हुए। इसके बाद 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इस समझौते के कारण ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी फूट डालो और राज करो, इस नीति को धक्का लगा। इन्होंने क्या किया था कि इसके पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फूट डलाई, लेकिन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया, ये दोनों आपस में मिल गए। तो इस कारण से जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी फूट डालो राज करो की जो नीति थी उस नीति को धक्का लगा। इसके बाद तत्कालीन भारत मंत्री सर मॉन्टेग्यू और तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड, इन्होंने भारत की यात्रा की और इस यात्रा के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान जो भी जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी समस्याएं थी उन सभी को एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया और उसी को आधार बना करके 1919 का अधिनियम पारित किया गया। तो यहाँ से एक पॉइंट है कि 1919 का जो अधिनियम था ये किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया। तो ये जो था ये भारत मंत्री मॉन्टेग्यू और उस समय के वायसराय चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड मॉन्टेग्यू के रिपोर्ट के आधार पर 1919 का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक विधायिका से मतलब यहाँ पर है कि पहली थी राज्य परिषद और दूसरी थी
केंद्रीय विधानसभा, तो जो केंद्रीय शासन था वो दो भागों में विभाजित हो गया, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। तो इस प्रकार से 1919 के अधिनियम में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। यहाँ पर ये नोट करने वाली चीज है कि द्विसदनात्मक विधायिका जो थी वो प्रथम थी राज्य परिषद और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। अब इसमें सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया, तो जो राज्य परिषद थी इसके सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई और जो केंद्रीय विधानसभा थी इसके सदस्यों की संख्या 144 निर्धारित की गई। तो इनमें से जो संख्या थी, जो 60 टोटल संख्या थी, इनमें से क्या होता था कि कुछ गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे, कुछ सरकारी होते थे, कुछ गैर सरकारी होते थे। तो इस तरीके से मिला करके टोटल 60 सदस्य थे वो राज्य परिषद में थे और कुछ जो थे 144 वो केंद्रीय विधानसभा में थे। इनमें क्या होता था कि कुछ का निर्वाचन किया जाता, कुछ नियुक्त किए जाते थे, कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी। इस तरीके से टोटल 144 और राज्य परिषद में 60 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका भारत के समस्त लोगों, न्यायालयों तथा वस्तुओं के संबंध में कानून बना सकती थी। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी वो ब्रिटिश भारत में समस्त लोगों के लिए, न्यायालयों के लिए, वस्तुओं के लिए किसी भी संबंध में कानून बना सकती थी। तो 1919 के अधिनियम में ये आदेश दिया गया या ये अधिकार दिया गया कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी वो ब्रिटिश भारत के समस्त लोगों के लिए, न्यायालयों के लिए और वस्तुओं के संबंध में कानून बना सकती थी। इसके साथ ही जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, जो सदस्य थे उनमें जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था उसमें जो कैटेगरी थी उसमें जमींदारों और उद्योगपतियों के लिए विशेष निर्वाचन का व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा जो भी धार्मिक संगठन के लोग थे, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, यूरोपियन हो, तो इनके लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो ये कह सकते हैं कि जो 1919 का जो अधिनियम था इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की भी चर्चा की गई थी और इसमें पृथक निर्वाचन जैसे कि मुस्लिम, सिख, यूरोपियन, उद्योगपति, जमींदारों, इन सभियों के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो 1919 के अधिनियम में यही विशेष था। अब बात करेंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की। 1919 के अधिनियम में भी स्वशासन की मांग की गई और अब बात करेंगे हम 1935 में। तो भारतीयों द्वारा जो स्वशासन की मांग की थी उसमें और अधिक स्वतंत्रता की मांग किए जाने के परिणाम स्वरूप 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। तो 1919 के बाद जो कमीशन आया तो वो था साइमन कमीशन, जो कि 1927 में भारत आया और इसका जो गठन किया गया था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया था। और इसका गठन करने का जो मोटो था वो ये था कि 1919 के बाद कांग्रेस ने स्वशासन की मांग को और तेज कर दिया था। तो इस मांग को और उस मांग में कौन कौन सी चीजें मांगी जानी चाहिए, तो इन सभी चीजों के लिए जो आयोग का गठन किया गया वो था साइमन आयोग और ये 1927 ईस्वी में गठित किया गया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस वजह से इस आयोग का विरोध किया गया। तो सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण आयोग का व्यापक रूप से विरोध किया गया। इसके बाद इस आयोग ने 30 जून 1930 को अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा। जो ब्रिटिश सरकार थी उसको इन्होंने 30 जून 1930 को अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कई सिफारिशें की गई। इसके बाद में बहुत से ऐसे घटनाएं घटी जिसके कारण 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना। तो भारत सरकार अधिनियम बनने के लिए बहुत सी चीजें या बहुत सी घटनाएं घटित हुई। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 1935 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया, जिसमें महत्वपूर्ण था साइमन आयोग की रिपोर्ट। तो साइमन आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं जिनके कारण 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। गोलमेज सम्मेलन में जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए और तीन गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930,
31 और 32, तो 30, 31 और 32 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए, इसमें भाग लेने वाले जो भी सदस्य थे उनके आधार पर या उन्होंने जो भी अपनी रिपोर्ट, जिसको श्वेत पत्र कहा जाता है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो ब्रिटिश संसद में पेश की, तो इन रिपोर्टों के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी। तो ये जो अधिनियम बना 1935 का, इसमें 321 अनुच्छेद थे। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे, तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। इसमें क्या किया गया कि 1935 के अधिनियम में संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। जो संघ और केंद्र था, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया और इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में 3 विषयों को भी शामिल किया गया। ये कौन कौन से थे? संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। जैसा कि वर्तमान में भी है कि संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, जिसको यहाँ पर राज्य सूची भी कहा जाता है। तो वर्तमान में जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची का विषय है, ये 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो उस समय भी 7वीं सूची में इन विषयों को शामिल किया गया, जिसमें संघ सूची में 59 विषयों को शामिल किया गया, प्रांतीय सूची में 54 विषयों को और समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया। समवर्ती सूची में संघ और प्रांतीय, ऐसे विषय जो कि संघ और प्रांत दोनों संबंधित थे, उनको समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो ऐसे विषयों की संख्या कितनी थी? 36 थी। इसके अलावा 1935 अधिनियम में एक और व्यवस्था की गई कि जो देशी रियासतें थीं वो विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल हो सकती थीं। जो देशी रियासतें थीं उनको भी भारतीय संघ में शामिल होने का एक ऑप्शन दिया गया और वो विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके स्वयं को भारतीय संघ में शामिल कर सकते थे। अगला पॉइंट है, केंद्र में दैत शासन की स्थापना की गई और केंद्र सरकार के विषयों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो केंद्र में दैत शासन की स्थापना की गई, तो इस स्थापना के बाद जो केंद्र सरकार थी उसके विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। ये दो भाग कौन कौन से थे? संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई। जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी की गई और उसको बहुत सारी अधिकार प्रदान किए गए, जिससे जो गवर्नर जनरल का पद था वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। जो राज्य परिषद थी, जैसा कि 1919 के अधिनियम में राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, तो जो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा थी, इसकी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार दिया गया वो गवर्नर जनरल को दिया गया। गवर्नर जनरल जो था वो दोनों विधानसभा और विधान परिषद या राज्य परिषद दोनों की जो संयुक्त अधिवेशन था उसकी बैठक को बुला सकता था। ये अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। इसके अलावा भारत के 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। जो 1935 का अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा भारत के 11 प्रांतों में, जो भारत के 11 प्रांत थे, यहाँ पर विधानसभा का भी गठन किया गया। इन सभी विधानसभाओं में अलग अलग सदस्यों की संख्या थी। सभी प्रांतों में जनसंख्या के आधार पर या फिर वहाँ की जो भी क्षेत्रफल था उसके आधार पर सदस्यों की संख्या थी। जैसे कि अगर हम बात करें मद्रास की, तो मद्रास में 275 सदस्य थे, जबकि बम्बई में 175 सदस्य थे। तो ये जो सदस्य संख्या थी, ये वहाँ की जो स्थिति थी उसके आधार पर निर्धारित की गई थी। इसके अलावा प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जो कि 7वीं अनुसूची में विषय थे। तो जो प्रांतीय विधायिका थी, प्रांतों की जो विधायिका थी, उसको प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में केंद्र और प्रांत दोनों का अधिकार था, तो इस वजह से
जो समवर्ती सूची थी उस पर भी प्रांतीय विधायिका को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो 1935 के अधिनियम में क्या हुआ कि जो प्रांतीय सूची थी और समवर्ती सूची थी उस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधायिका को दिया गया। प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। जो प्रांतीय शासन था उसके अध्यक्ष, जो प्रांतीय शासन को देखरेख करने वाला जो था उसके अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन प्रांतीय विधानमंडलों में जो चुनाव कराए गए वो फरवरी 1937 में कराए गए। जैसा कि बताया गया कि 11 प्रांतों में विधान सभा का गठन किया गया, तो इसके अंतर्गत जो चुनाव हुए वो 1937 फरवरी माह में कराए गए। और ये किसके अंतर्गत हुए, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किए। अब बात करेंगे ये 1935 का जो अधिनियम था ये कब तक लागू रहा, तो स्वतंत्रता से पूर्व 14 अगस्त 1947 तक यह अस्तित्व में रहा। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए और इन्हीं इसी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए अगर हम वर्तमान के भारतीय उसकी बात करें, कानूनों की बात करें, तो जो भी कानून आज अस्तित्व में है वो कहीं ना कहीं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो आज का जो संविधान है हमारा वो 1935 के संविधान से प्रेरित है। तो आज के इस वीडियो में हमने 1919 और 1935 अधिनियम की चर्चा की। आगे भारत में जो भी स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्रता के बाद जो भी कानूनों का आधार बना और जो भी संविधान का गठन हुआ, तो इन सभी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे नए व्यूवर जो कि हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको इजीली अवेलेबल हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।